हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल शर्मा। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी ने अभी लेटेस्ट काफी बार सुना होगा टीवी पर और यूट्यूब पर, काफी एनालिसिस से यही सुना होगा कि कोई बोल रहा है कि इस टाइम में रिकवरी आएगी, कोई कह रहा है इस टाइम में रिकवरी आएगी। तो आप अगर इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आप इन सब बातों को भूल जाइए कि मार्केट में कैसे रिकवरी आएगी और कैसे रिकवरी नहीं आएगी। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग पर फोकस कीजिए। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग है, स्विंग ट्रेडिंग पर फोकस दीजिए कि कहां पर आपने परफेक्ट बाय करना है, कहां पर आपने परफेक्ट सेल करना है, क्या आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्या आपका टारगेट होना चाहिए। तो अगर आप इस पर ज्यादा ध्यान देंगे तो आप एक अच्छे सक्सेसफुल इंट्राडे और स्विंग ट्रेडर बन जाओगे। लेकिन अगर आप मार्केट की ये सुनोगे कि मार्केट में अगर आपको ये सुनने को मिलेगा कि रिकवरी आ जाएगी, एकदम से फास्ट रिकवरी आ जाएगी, तो और अगर आप कहीं उसमें घुस गए, आपने मान लो इनकेस कॉल ऑप्शन हैविंग बाइंग कर ली, फ्यूचर में हैविंग बाइंग कर ली, तो आप फंस जाओगे। तो इसलिए पहले आप अपना एनालिसिस कीजिए, बाकी सभा की सारी जगह बाद में सुनिए। पहले अपना एनालिसिस कीजिए कि आपको कौन से लेवल पर बाय करना है और कौन से लेवल पर सेल करना है। आप मार्केट की या बाकी सारी जगह की नॉइस को बंद कर अपने एनालिसिस पर फोकस कीजिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे, बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट वीक के लिए क्या भी हो सकता है और कौन से लेवल पर हम बाइंग या सेलिंग कर सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और राइट साइड में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपसे ऐसी इम्पोर्टेंट वीडियो और उसका नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का। हम सबसे पहले यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वीकली चार्ट का एनालिसिस कर लेते हैं। वीकली चार्ट के हम एनालिसिस करेंगे कि हमारे वीकली क्या हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स हो सकते हैं और बैंक निफ्टी कहां तक जा सकता है। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो इस चार्ट में हम सबसे पहले बैंक निफ्टी के वीकली की कैंडल की बात कर लेते हैं। यहां पर आप देख पा रहे होंगे ये जहां से ये बैंक निफ्टी स्टार्ट हुआ था, थोड़ा सा ऊपर जाकर जहां से इसकी ओपनिंग हुई थी, उसके बाद से कंटिन्यू डाउन फॉल में चलता गया लास्ट वीक में। तो ये एक तरह की मारू भोजू कैंडल बन गई थी और कंटिन्यू डाउन साइड में हमें देखने को मिला। जो इसकी क्लोजिंग भी हुई, वो जो इसका जो लो था उसके पास में ही हमें इसकी क्लोजिंग देखने को मिली। तो कैंडल हमें एक तरह की बीरिश कैंडल ये इंडिकेट कर रही है कि मार्केट अभी और भी डाउन साइड जा सकता है। अब बात कर लेते हैं कैंडल के साथ साथ हम इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स की भी। तो सबसे पहले हम सपोर्ट लेवल की बात करेंगे कि सपोर्ट लेवल इसका जो नियरेस्ट सपोर्ट लेवल है वो है दोस्तों करीब 17,000। ये आपका करीब है 17,100 और 17,000। ये आप मान के चलिए कि अगर ये लेवल ब्रेक होते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन मंडे को, तो यहां पर आप फ्रेश सेलिंग कर सकते हो इसके नीचे। और जो आपका टारगेट रहेगा, वीकली टारगेट आपका रहेगा, वो करीब आपका अगर ये जो लास्ट के जो लो थे 16,200, यहां तक एक बार अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन जो इसका वीकली टारगेट, अगर ये भी टारगेट अचीव हो जाता है, इसके नीचे में फॉल देखने को मिलता है कंटिन्यू, तो 15,700 तक हम जा सकते हैं। ये जो आप नीचे की साइड में जो एरिया जोन देख पा रहे होंगे, ये काफी मेजर स्पोर्ट जोन है दोस्तों। इस लेवल पर आकर अगर हम आते हैं, ये लेवल है ऊपर की साइड में 15,700 और नीचे की साइड में 13,700। तो ये 2,000 की रेंज में अगर जब मार्केट यहां पर आएगा तो यहां पर मार्केट एक बार जरूर अटकेगा। अगर मार्केट यहां पर आपकी आती है डाउन फॉल में, तो यहां पर आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग जरूर कीजिए। अगर आप वीकली पोजिशनली टारगेट लेके जा रहे हैं तो यहां पर प्रॉफिट बुकिंग जरूर कीजिए। लेकिन अगर हम बात करते हैं, लेकिन ये तभी होगा, लेकिन जब ये 17,000 का लेवल ब्रेक होगा, उसके बाद ही हमें नीचे की साइड जर्नी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर हम ऊपर की साइड में हम देखें कि जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, वो हमारा नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल है 17,940 का। तो 17 अगर आपको मंडे को मार्केट ऊपर की साइड देखने को मिलती है, ऊपर की साइड कंटिन्यू देखने को मिलती है, तो वहां पर अगर आप बाइंग करते हैं, बाइंग भी आपने तभी करनी है, आपने 15-15 मिनट की दो कैंडल वेट करने के बाद ही आपने देखना है कि वहां पर ब्रेकआउट हो रहा है, तभी आपने उसमें एंटर कर रहे हैं और वो आप उसमें डे लो का स्टॉप लॉस रख के आप उसमें कंटिन्यू अपसाइड में जा सकते हो। डे लो या जो मेरा जो ये स्टॉप लॉस आपका फिर होगा 17,100 का, ये आपका नियरेस्ट स्टॉप लॉस होगा अगर आपने बाइंग में जाना है। तो बाइंग में अगर आप जाते हैं,
मार्केट ऊपर की साइड में जाता है तो 17,200 आपका फर्स्ट टारगेट होगा, उसके बाद नेक्स्ट टारगेट होगा 19,170 का। तो इन दो लेवल 19,000 और 19,170 के लेवल पर फिर अपनी दोबारा फिर से अपनी पर्सनल प्रॉफिट बुकिंग कीजिए, कंटिन्यू उसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कीजिए। अगर आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का नहीं पता तो मैंने अभी लेटेस्ट मैंने लास्ट वीक में अपनी वीडियो बनाई थी कि आपको कैसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करना है। जब भी आप डाउनफॉल में या फिर अपसाइड में जब भी आप एंट्री करें तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का दोस्तों जरूर यूज कीजिए। अगर आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज नहीं किया तो आपका प्रॉफिट कम होगा, आप जल्दी प्रॉफिट बुकिंग कर जाओगे, या फिर जो आपको प्रॉफिट मिल रहा होगा तो वो आप लॉस में कन्वर्ट कर जाओगे। इसलिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर यूज कीजिए। अगर आपने इंट्राडे ट्रेड है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको जरूर यूज करना चाहिए। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस लेवल है, काफी मेजर रेजिस्टेंस लेवल है, वो है 20,500 का। तो 20,500 के ऊपर जब भी हमें वीकली क्लोजिंग मिलेगी उसके बाद ही हमारा फर्दर अपसाइड देखने को मिलेगा। तो जब तक हम 20,500 के नीचे हैं तब तक हमें डाउनफॉल हमें देखने को मिलेंगे, ऊपर की साइड में जो भी मूव आएंगे तो वहां से हम दोबारा फिर नीचे की साइड हमें देखने को मिलेंगे। तो आप वीकली कैंडल पे वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स पे फोकस बनाए रखें। और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वो जाकर वीडियो जरूर देखें। और दोस्तों मैंने निफ्टी की भी वीडियो अपलोड कर दी है जिसमें मैंने निफ्टी के वीकली के चार्ट का एनालिसिस भी किया है, डेली का चार्ट भी एनालिसिस भी किया है, 1 आवर के चार्ट में भी आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल बताए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप बैंक निफ्टी में भी वैसे ही आप डेली के चार्ट में और 1 आवर के चार्ट में आप खुद एनालिसिस कर सकते हैं। आप निफ्टी की वीडियो को भी जाकर जरूर देखिए, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, तो वो वाली भी आप वीडियो देखें, काफी कुछ आपको उसमें सीखने को मिलेगा। और उसी के अकॉर्डिंग आप बैंक निफ्टी में डेली और 1 आवर के चार्ट का एनालिसिस कर सकते हैं। मैं आपको आज की वीडियो में बैंक निफ्टी का 1 आवर और डेली का चार्ट इसलिए एनालिसिस नहीं कर रहा हूं ताकि आप भी कुछ सीख सके, आप भी लर्निंग कर सके। अगर आप मेरी निफ्टी की वीडियो को अच्छे से देखोगे उसको समझोगे तो आप बैंक निफ्टी का एनालिसिस खुद कर सकोगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप निफ्टी वाली वीडियो भी अच्छे से कंप्लीट देखोगे और खुद से सेल्फ स्टडी करोगे। और दोस्तों मैं लास्ट में एक डिस्क्लेमर जरूर आपको देना चाहूंगा कि जब भी आप कोई पोजीशन बनाए तो अपनी सेल्फ स्टडी 10 बार जरूर कीजिए, अच्छे से स्टडी कीजिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूर सलाह लीजिए। अगर आपको मार्केट की ज्यादा नॉलेज नहीं है, ज्यादा आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर आप काम कीजिए। मेरी किसी भी सलाह पर आप आंख बंद कर कर काम मत कीजिए, अपनी सेल्फ स्टडी कीजिए, उसके बाद ही अपनी आप ट्रेड कीजिए। मेरा सिर्फ वीडियो बनाने का उद्देश्य ये होता है कि आप जितनी सी ज्यादा ज्यादा आप लर्निंग कर सको और एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सको। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो से भी आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो आपको सीखने को मिला है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों में रिश्तेदारों में जरूर शेयर कीजिए जो भी स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मैं अपनी वीडियो में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट ही आपको जो आप लर्निंग आप सीख सके, जो एक बिगनर सीख सकता है जिसको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं उसके पर्पज से आपको वीडियो में सिखाता रहता हूं और आगे भी सिखाता रहूंगा। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। और दोस्तों मैं नेक्स्ट अपनी वीडियो में आपके साथ और भी स्टॉक एनालिसिस के बारे में डिस्कस करूंगा कि किन किन स्टॉक्स में आपको इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ऐसी मार्केट में। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद।